कंगना रनौत आज एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब उनके पास कुछ भी नहीं था। जिंदगी से संघर्ष कर रही थी ये स्टार। अपनी बहन रंगोली चैंडल की सर्जरी करवाने तक के पैसे नहीं थे कंगना के पास। जी हाँ, और इस बात का खुलासा किया खुद कंगना रनौत ने। अपनी अपकमिंग फिल्म पंगा को प्रमोट कर रही एक्ट्रेस कंगना ने घर छोड़ने के बाद के उनके स्ट्रगल्स के बारे में की खुलकर बात। ये बात भी सभी जानते हैं कि कंगना की बहन रंगोली चैंडल एक एसिड अटैक सर्वाइवर है। ऐसे में उनकी सर्जरी के लिए कंगना के पास उस वक्त पैसे नहीं थे। कंगना ने कहा, मैं सिर्फ 19 साल की थी। एक उज्जवल करियर की दहलीज पर जब हमला हुआ और इस तरह की विकृत सेक्सिस क्रूरता से निपटने के लिए एक लंबा कठिन संघर्ष था। आर्थिक रूप से भी मैं तब मजबूत नहीं थी। I was just 19 on the threshold of a bright career when the attack happened and it was a long hard struggle to deal with this kind of perverse sexist cruelty. Financially too, I was not strong back then. Girls around me would feel depressed by a bad hair day or because a meal was not to their liking. I was grappling with something far more real and yet had no time to sit and cry. I did tacky films, took on roles I did not deserve, accepted guest appearances so my sister could be treated by the best surgeon in India. It took 54 surgeries. I fell into bad company straight away. Some people took advantage of the fact that I was alone and couldn't confide in my parents. And I have experienced the worst a person can go through. अपने स्ट्रगल के बारे में कंगना ने आगे कहा, मैंने बहुत कठिन दिन देखे हैं। मैं भूखे पेट सोई हूँ। मेरे पेरेंट्स मुझे हर सुख सुविधा दे सकते थे, लेकिन मैं वापस नहीं गई। मुझे लगा मेरा वापस जाना गलत होगा। मैंने अपना रास्ता चुना और उस पर टिकी रही। बता दे कि रंगोली को 54 सर्जरीज के थ्रू जाना पड़ा था और पैसे जुटाने के लिए कंगना ने बिलो एवरेज फिल्म्स और कई गेस्ट अपीयरेंसेस भी किए। वेल, इन सारी बातों से ये भी साबित होता है कि कंगना ने लाइफ में काफी कुछ झेला है। आपका क्या कहना है इस बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।